स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा में 10 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं 1 साल के लिए, जिसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट itihariana.gov.in। इस वेबसाइट पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि 10 पोस्ट कौन सी निकाली गई हैं। पहली है कंसल्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें 2 पोस्ट है, पर मंथ सैलरी होगी फिक्स 70,000। नेक्स्ट है कंसल्टेंट सर्विस सेक्टर, 1 पोस्ट, सैलरी है 70,000। कंसल्टेंट आईटी सेक्टर, 1 पोस्ट, अप्रेंटिसशिप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 2 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, 1 पोस्ट, असिस्टेंट, 2 पोस्ट और अकाउंट असिस्टेंट की भी 1 पोस्ट है। लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2019 और इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरना है आपको, जो कि इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको फिल करना है, जो कि आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपको इसकी मेन मेन बातें बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भेजनी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, और साथ में ₹500 का एक डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है। आगे देख लेते हैं। पहले है कंसल्टेंट के लिए, कंसल्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी 2 पोस्ट हैं, बीटेक होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ, जो कि फुल टाइम रेगुलर मोड से होनी चाहिए, एमबीए होनी चाहिए रेगुलर मोड से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2019। नेक्स्ट है कंसल्टेंट सर्विस सेक्टर के पोस्ट के लिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या टूरिज्म में, जो कि फुल टाइम रेगुलर मोड से होनी चाहिए, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। डिजायरेबल यानी प्रेफरेंस दी जाएगी एमबीए जिसने रेगुलर मोड से की हो, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। नेक्स्ट है कंसल्टेंट आईटी सेक्टर की, 1 पोस्ट, बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, एमबीए होनी चाहिए रेगुलर मोड से, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीटेक होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए रेगुलर मोड से। फिर जो दूसरी पोस्ट है वो है, उसके लिए होनी चाहिए बीटेक डिग्री, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, वही डिज़ायरेबल एमबीए होना चाहिए फुल टाइम। अब देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, 1 पोस्ट, फुल टाइम रेगुलर मोड से डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में, 60% मार्क्स के साथ, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो बाकी सभी पोस्ट में इसमें भी वही है, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, 40 ईयर्स का आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर देखते हैं असिस्टेंट, 2 पोस्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, हार्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट, 1 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2019। अगर इस पोस्ट से संबंधित आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट itihariana.gov.in पर भी जा सकते हैं।